चाहे देखो इधर, कल अक्ष बतला दिए थे ना, एक्सिस क्या होता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इसमें भी अब वही मतलब देखेंगे, उसमें भी बिंदु कहाँ पर दर्शाया जाता है, कब किया होगा, है एक्स अक्ष वाई अक्ष, रुक जाओ देखो इधर, आई सपोज डेट ले लेते हैं कि एक्स अक्ष है, जो इस तरह क्षैतिज खींचते हैं नीचे की ओर, ये कौन एक्सिस होता है, एक्स अक्ष होता है कि ना होता है, इधर से पार देते हैं करा के, ये कौन अक्ष होगा, एक्स अक्ष, इधर एक्स रहेगा तो इधर क्या होगा, एक्स डैश होगा, होगा ना, वाई अक्ष कौन खींचाएगा, ये वाला वाई अक्ष होगा, होगा कि ना होगा, ऊपर क्या रहता है, वाई, तो नीचे वाई डैश, यही ना होता है। अब इधर समझो, टेढ़ा पर आ गया, जो ऊर्ध्वाधर रहता है कौन अक्ष बोलते हैं, वाई अक्ष, नीचे वाई डैश, ऊपर करेगा वाई। अब समझो एक्स अक्ष वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं ना। अब समझो इधर एकरा के तो मूल बिंदु ओरिजिन बोलवे करेंगे, इंग्लिश में बोलते ओरिजिन। अब देखो इधर प्लस में होता है ना, बतला दिए थे ना काल, इधर प्लस में वन, प्लस में टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, यही ना होता है प्लस में हो। इधर देखे तो क्या होता है, माइनस में वन, माइनस में टू, माइनस में थ्री, माइनस में फोर, माइनस में फाइव, माइनस में सिक्स, माइनस में सेवन और माइनस में एट। ऊपर प्लस होता है, लिख देंगे वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। नीचे भी हो जाएगा माइनस में वन, माइनस में टू, माइनस में थ्री, माइनस में फोर, माइनस में फाइव, माइनस में सिक्स, माइनस में सेवन और माइनस में एट, यही होता है ना। इतना केवल तू लोग ध्यान देना, जो अक्ष होगा, जो एक्सिस होगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। आ मूल बिंदु को अगर नियामक देखे, इसका कोऑर्डिनेट देखे, तो मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, जीरो और जीरो। यहाँ पर क्या है, एक्स भी जीरो है और वाई भी जीरो। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, जीरो कोमा जीरो। अब समझो, अब कुछ कुछ बिंदु के दर्शा के भी दिखाई दे तू लोग किस तरह दर्शाएंगे। सपोज डेट हम बिंदु ए लिए थे, मान लो कुछ मान लेंगे, ए पर चार कोमा तीन, ये दर्शाए थे कि ना दर्शाए थे। यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना है, चार है। कोई बिंदु ए लिए, इसका क्या नियामक है, चार कोमा तीन। इसका निर्देशांक एक्स का वैल्यू क्या है, चार। एक्स वाला के भुज कहते हैं कि कोटि, भुज बोलते हैं, यानी भुज इसमें क्या होगा, चार। ये वाला क्या होगा, कोटि होगा। मतलब एक्स निर्देशांक को भुज कहेंगे, वाई निर्देशांक को कोटि कहेंगे। ये तो समझ लिए। अगर चार पर तीन दर्शाना चाहे तो देखो एक्स का वैल्यू कितना है इसमें, पहले एक्स लिखा जाता है ना, एक्स वाला चार, तो चार यहीं पर जाएगा ना, फोर फोर। और देखो तीन जाना है, प्लस में तीन है कि माइनस में तीन है, वाई का मान, तो वाई के मान प्लस के लिए ऊपर जाएंगे कि नीचे, एक दो तीन, देखो इसी सीधे में ना तीन है, ऊपर आ गए हम, जहां पर कटेगा वही मेरा क्या होगा, बिंदु ए होगा। कितना है, चार पर थ्री। अब समझो अक्ष पर निर्देशांक क्या होता है। देखो यदि सपोज डेट कोई ले लेते हैं जीरो पर पांच, बुझा रहा है, यानी एक्स का वैल्यू क्या इसमें, जीरो, भुज क्या है, जीरो, कोटि इसमें कितना है, पांच है, भुज जीरो है, कोटि क्या है, पांच है, तो भुज जीरो यानी एक्स पर जीरो जाएंगे ना। जीरो कहाँ है, बीच में है कि ना, जीरो बीच में ना है, जीरो। अब देखो वाई का वैल्यू पांच चाहिए, पांच वाई के लिए ऊपर जाएंगे कि नीचे, ऊपर, तो पांच बढ़ो, एक दो तीन चार पांच, माने कि यही ना बिंदु होगा मेरा बी। बी क्या है, जीरो पर
पांच। ध्यान से समझो, हई वाला जो हम खींचे हैं ये वाई अक्ष है का ऊपर हाँ। से नीचे तक हाँ। तनी मनी दिमाग लगा रहा है। देखो जब वाई अक्ष है तो वाई अक्ष पर एक्स का निर्देशांक का हो गया एकरा में जीरो, यानी एगो निकल के आया कौची वाई अक्ष पर एक्स नियामक क्या होता है जीरो होता है। सपोज डेट ले लेते हैं बिंदु सी हम ले लेते हैं कोई, इसको जीरो पर माइनस में आठ कर लेते हैं। अब समझो जीरो पर क्या है माइनस में आठ, यहाँ पर भुज क्या होगा जीरो जीरो, तो भुज जीरो है तो एक्स का वैल्यू जीरो जीरो लेंगे ना यहाँ पर। आ देखो वाई क्या है माइनस आठ, यानी माइनस के लिए वाई का वैल्यू के लिए ऊपर की ओर जाएंगे या नीचे की ओर जाएंगे नीचे की ओर। तो देखो एक मतलब दो तीन चार पाँच छ सात आठ माइनस में आठ यही ना आया हाँ। तो हम क्या लिखेंगे बिंदु सी है ना हाँ। इस बिंदु सी को क्या लिख देंगे जीरो पर माइनस आठ यही ना हुआ हाँ। हाँ। बिंदु बी भी देखो एक्स नियमक का हुआ जीरो हुआ कि ना हुआ हाँ। अब समझो अब मान लेते कोई बिंदु मेरा डी है क्या ले ले माइनस आठ पर जीरो ले लेते हैं सपोज डेट ले लेते हैं। अब वाई वाला जीरो रख के देखो इसमें भुज का वैल्यू क्या है माइनस आठ, कोटि क्या है जीरो, जीरो। यानी माइनस आठ जाने के लिए हम एक्स अक्ष पर डैश की तरफ जाएंगे कि इस तरफ जाएंगे डैश की तरफ, तो इधर की ओर आओ माइनस आठ यही ना आया तो माइनस आठ यहीं पर आ गया। देखो इधर मार्कर गिर रहा हूँ माइनस आठ यही पाया एक्स का वैल्यू माइनस आठ आ जीरो देखो तो जीरो का ऊपर नीचे कुछ जाएगा जीरो तो वाई के मान खुद के यहाँ में है यानी इसी पर हो जाएगा कि ना होगा क्या बिंदु डी लिए है ना यानी बिंदु डी बराबर माइनस एट पर क्या लिखेंगे जीरो। कोई दिक्कत इसमें ना। अब समझो इधर थोड़ा दिमाग लगाओ एक और समझो इधर डी पर लेके आता है ई अगर ले लेते हैं फाइव पर जीरो तो फाइव पर जीरो किधर लेंगे यहाँ पर भुज के मान क्या है पाँच, कोटि क्या है जीरो, तो फाइव देखो एक्स का वैल्यू फाइव के लिए इधर की ओर जाएंगे या इधर की ओर जाएंगे इधर एक्स की तरफ एक्स डैश की तरफ तो ना जाएंगे एक्स डैश की तरफ माइनस के लिए जाते हम लोग। तो ध्यान से समझो इधर फाइव मिलेगा कि इधर मिलेगा प्लस में फाइव चाहिए यानी प्लस में फाइव हमारे यहाँ पर होगा। अब समझो वाई के मान जीरो यानी जीरो तो यहीं पर ना है यानी इसी सिद्ध में होगा कि नहीं हवा यहाँ पर बिंदु कौन होगा ई बिंदु ई यानी फाइव पर जीरो होगा कि ना होगा। तो ध्यान से समझो अगर क्वाड्रेट पूछे कि कौन क्वाड्रेट में है हई कौन पाद में है प्रथम द्वितीय तृतीय प्रथम पाद में बोल सकते हैं ना। अगर इसमें होता तो कौन पाद में बोलते द्वितीय पाद यानी सेकेंड क्वाड्रेट में बोल सकते थे इंग्लिश में बोले इसी को मान ले इसमें होता इस पाद को कौन पाद बोलते हैं तृतीय पाद यानी थर्ड क्वाड्रेट ये कौन पाद होगा चतुर्थ पाद यानी फोर्थ क्वाड्रेट। तो हम पूछ रहे हैं कि 4.3 किस क्वाड्रेट में किस पाद में है तो कौन पाद के नाम देंगे प्रथम पाद। ये कौन पाद में आएगा प्रथम पाद में होगा होगा कि ना होगा यानी फर्स्ट क्वाड्रेट में होगा होगा लिख सकते हैं ना प्रथम पाद। अब समझो सपोज डेट अगर पूछ दे कि हई कौन पाद में है बी पॉइंट तो यही ना मेरा है तब के बतलाएगा प्रथम है कि द्वितीय में तृतीय में कौना में है कौनों में ना है बेवकूफ। देखो इधर कैसे देखो बकवारा ये सब इस लाइन पर है ना इस लाइन पर है इधर की ओर होता तो लिखते प्रथम हाँ लिख दिए प्रथम हो से खाते लोग प्रथम बोला है पॉइंट देखो बिंदु कहाँ घेरे है हमारे ये ना है बी नंबर ये तो लिखे हैं कि मतलब ये वाला हमारे बी नाम है प्रथम में लिख दिए इना की प्रथम पाद में है हम एक मिटका के किनारे भी लिख सकते थे क्या बोलता द्वितीय पाद ना बोलता। देखो हमारा बिंदु यहाँ पर ना है जब यहाँ पर है ना प्रथम में है ना द्वितीय में है तो है कहा बीच में तो बीच वाला लाइन को ही क्या बोलते हैं
वाई अक्ष ना, यानी बिंदु बी कहाँ पर है? वाई अक्ष पर, न कि प्रथम पाद न कि द्वितीय पाद, सीधे किस अक्ष पर है? वाई अक्ष। तो ये कौन अक्ष पर करा के लिख सकते हैं? वाई अक्ष लिख सकते हैं ना। है देखो बिंदु है कौन है? सी वाई अक्ष पर है, इसको भी कौन अक्ष लिखेंगे? वाई अक्ष, वाई डैश ना बोलेंगे। इस लाइन को इस लाइन से लेकर टोटल लाइन को हम लोग वाई अक्ष बोलते हैं कि ना बोले हैं? अब नीचे ऊपर दर्शा दिए डैश है, ये वाई है, हो गया कि ना? तो बतलाओ ये हमारा वाई अक्ष पर है कि ना है? हाँ। दिमाग लगाओ, वाई अक्ष पर एक्स के मान यहाँ पर क्या हो रहा है? जीरो। तो हम लिख सकते हैं का वाई अक्ष पर एक्स नियामक जीरो होता है। हाँ। होगा कि ना होगा? यानी वाई एक्सिस पर एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा? जीरो। यानी एक्स नियामक मेरा क्या होगा? जीरो। ये अभी लिख लेगा। अब समझो इस किस अक्ष पर है? देखो माइनस आठ पर जीरो, तो माइनस आठ पर जीरो है ना, एकरा के नाम क्या देंगे? एक्स अक्ष होगा ना, है क्या होगा? ये अभी तो एक्स अक्ष होगा। कैसे? ट्रिक बतला रहे, देखो समझो। इधर वाई वाला जीरो तो वाई अक्ष पर, वाई जीरो तो वाई अक्ष, एक्स जीरो तो किस अक्ष पर? एक्स अक्ष। एक्स जीरो तो वाई अक्ष पर, जब वाई जीरो तो कौन अक्ष पर? उल्टा है, एक्स अक्ष। होगा कि ना होगा? एकरा में कहीं डाउट? एकरा के बिंदु दर्शा के दिखाओ। ई पर आता है एफ, एफ पर माइनस चार पर जीरो दर्शाओ, और इसका कोऑर्डिनेट भी लिखना है। या जी बिंदु ले लो कोई, माइनस पाँच में नहीं, इस जीरो पर ले लो माइनस थ्री, इसको भी दर्शाओ, उतार के दर्शाना। एच कोई बिंदु ले लो माइनस चार पर माइनस चार, इसका भी क्वाड्रेट लिखना है, किस क्वाड्रेट में, किस एक्सिस पर है, जल्दी से लिखो। सब बुझा रहा है? देखो कैसे बनेगा, बना लिया ना सब? देखो एफ बराबर, मतलब एफ का निर्देशांक क्या है? कोई बिंदु एफ का माइनस फोर कोमा जीरो, यही ना निर्देशांक है? यानी एक्स का वैल्यू माइनस चार, माइनस चार के लिए एक्स की तरफ जाएंगे कि एक्स डैश की तरफ? एक्स की तरफ, एक्स डैश ना माइनस चार के लिए जाएंगे। तो बतलाओ माइनस चार कहाँ पर है? एक दो तीन चार, माइनस चार इवन है। वाई कोऑर्डिनेट जीरो, वाई का नियामक जीरो, जीरो के लिए इवन आएंगे कि ऊपर नीचे करेंगे क्रम में? यहीं पर आएंगे, यहीं पर आएंगे, तो यही ना वाई कोऑर्डिनेट हुआ। y कोऑर्डिनेट f बराबर मेरा क्या है? f माइनस चार कोमा जीरो। अब बतलाओ तू ये कौन पद में है? कौन पद में लग रहा है? कौन क्वाड्रेंट में लग रहा है? ये ना, ये x एक्सिस पर है, तो क्या लिखेंगे? x अक्ष लिख देंगे। हाई देखो जीरो कोमा माइनस तीन है ना, यानी x का वैल्यू जीरो, तो जीरो रख लिए, जीरो तो यही पर ना है। देखो x और y दोनों के लिए जीरो यहीं पर है, यानी मूल बिंदु पर। देखो x भी जीरो और y पर जीरो, हुआ कि ना हुआ? x पर जीरो तो देख लिए, अब y का वैल्यू माइनस में तीन, माइनस के लिए ऊपर कि नीचे? नीचे, माइनस में तीन यही है ना। तो क्या हो जाएगा यह मेरा जी ना, मतलब जी बिंदु क्या हो गया? जीरो पर माइनस तीन। अगर इसको लिखे तो किस अक्ष पर होगा? वाई अक्ष, पहचान जाएगा ना? माइनस चार कोमा चार। अब एक बतलाओ ये कौन पाद में होगा, किस अक्ष पर रख सकते हैं इसको? माइनस माइनस दोनों में किस में होता है? देखो छाप रहेगा दावा, ध्यान देखो, माइनस माइनस किस में होता है? तृतीय पाद में। तृतीय में होता है कि चतुर्थ में होता है? यानी ये तृतीय पाद में होने वाला है। काले बतला दिए माइनस फोर, एक्स का वैल्यू माइनस फोर, माइनस फोर यही है ना। वाई के लिए भी माइनस फोर, वाई के लिए माइनस फोर, नीचे देंगे के ऊपर? एक के सोजान पे एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन, यहाँ पर क्या होगा? यानी चाहेंगे तो इस तरह मिला के भी लिख देना कि ना यही पर कटेगा मेरा। यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा? देखो तो एच मेरा क्या हो जाएगा? माइनस फोर कोमा माइनस फोर। इसमें कहीं दिक्कत ना? ना उतार लिया। लिखो एगो पॉइंट स्टार देके, कुछ लिखवा देते हैं, स्टार देके लिखो। लिखो एक्स अक्ष पर
y का निर्देशांक x अक्ष पर y का निर्देशांक देख लो निर्देशांक कैसे लिखा जाता है। x अक्ष पर y का निर्देशांक x अक्ष पर y का निर्देशांक जीरो होता है। x अक्ष पर y का निर्देशांक जीरो होता है, हो गया। अब लिखो दूसरा स्टार देके y अक्ष पर y अक्ष पर y अक्ष पर x का निर्देशांक जीरो होता है, लिख लो। अब समझते दूसरे का टॉपिक पर। देखो अब बुक निकालो, अब बुक का टोटल क्वेश्चन बना देगा तू लोग सब। अब निकालो, तू ना लाया है बुक। देखो इधर एक्सरसाइज फोर ना, हाँ। एक्सरसाइज फोर में देखते हैं सबसे नंबर पहला क्वेश्चन समझ लेते हैं यहाँ पर। एक्सरसाइज फोर अब समझो इधर क्या दिया है पहला क्वेश्चन। भारती भवन का बुक है, यहाँ लिख देते हैं भारती भवन। भारती भवन क्लास नाइन्थ, समझो इधर एक्सरसाइज फोर ना पहला में क्या दिया है। रिक्त स्थान को भरे, फिलिंग द ब्लैंक्स। देखो इधर मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, सब पहले ही लिखवा दिए हैं। यह भी एक स्टार दे के लिखवा दे, यह भी एक स्टार दे के लिखवा दे। मूल बिंदु का निर्देशांक जीरो होता है ना, अब समझो। डैश बोलल जरूरी ना है, जीरो पर जीरो बोल दो। देखो पहला के ए नंबर में पूछ रहा है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, तो मूल बिंदु का निर्देशांक अभी तुरंत बोले क्या होता है, जीरो कॉमा जीरो। इसका बी नंबर में क्या पूछा है, एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का वाई निर्देशांक क्या होता है। अभी जो स्टार लिखवाए ओकरे से क्वेश्चन पूछा है ना, यानी वाई निर्देशांक क्या होगा, जीरो। अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहे एक्स का मान कुछ ना कुछ होगा, वाई अक्ष दिया है ना, एक्स का मान एक्स अक्ष दिया है, एक्स का मान कुछ ना कुछ होगा, y का मान क्या होगा, जीरो। इस तरह लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं, मगर इसको मत छोड़ो, केवल जीरो लिख दो। सी नंबर देखो, y अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का x निर्देशांक क्या होता है, जीरो। यह भी स्टार देके लिखवाए हुए हैं। सी के बाद नंबर डी देखो, ध्यान से क्वेश्चन सुनना क्या कह रहा है। यदि किसी बिंदु का कोटि शून्य हो तो वह किस पर होगा। कोटि शून्य, भुज कोटि तो बुझा रहा है ना, हाँ। देखो कोटि है, भुज कुछ ना कुछ दिया है, आ कोटि क्या है मेरा, जीरो। अब बतलाओ कोटि का शून्य रख लिए, हाँ। अब तू ही लोग बतलाओ कोटि के शून्य के मतलब वाई के मान जीरो, जीरो। वाई जीरो किस अक्ष पर होता है, अभी तुरंत बतलाए हैं। अगर इस तरह लेंगे एक्स अक्ष पर लेंगे तो वाई का नियामक क्या होता है, जीरो। स्टार देके लिखवाए ना, एक्स अक्ष पर वाई नियामक क्या होता है, जीरो। तो बतलाओ ये किस अक्ष पर है, बतलाओ तो। और एक्स अक्ष पर ना लिखेंगे, एक्स अक्ष पर क्या लिखेंगे, एक्स अक्ष पर। मतलब अगर कोटि जीरो होगा तो कॉमन एक्सिस पर होगा, एक्स एक्सिस पर होगा, मतलब एक्स अक्ष पर होगा। क्वेश्चन नंबर ई देखो, एक और पहला काम, यदि किसी बिंदु का भुज शून्य हो तो वह किस एक्सिस पर होगा। भुज शून्य, भुज के मतलब एक्स के मान जीरो, वाई के मान कुछ ना कुछ होगा। जब एक्स जीरो तो कौन अक्ष पर होगा, वाई अक्ष पर ना, कहीं दिक्कत। अब समझते इधर क्वेश्चन नंबर ई से
एफ, इधर तू लोग अपने से उड़ा देगा सब। क्या बोल रहा है, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक, कह रहा है किसी बिंदु का निर्देशांक 3.-4 है तो वह किस पाद में होगा, किस चतुर्थांश में होगा। ध्यान से समझो, -3, 4 है ना, ध्यान से समझो। इसका हम चिन्ह देखते हैं, चिन्ह क्या है, एक्स क्या है माइनस है कि प्लस है, प्लस। वाई क्या है, प्लस माइनस किस चतुर्थांश में होता है, चतुर्थ पाद में। ऐसे फिगर से भी समझ लेते हैं किस पाद में होगा। सपोज डेट एक्स अक्ष वाई अक्ष बना लेंगे अपने से, बना लेंगे ना, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 ले लिए, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 लाइन देके समझ लेंगे। देखो x के मान 3 ना, 3 चल जाएंगे यहाँ पर, y के लिए 4 नीचे ना, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर आ रहा है ना, तो बतलाओ 3.-4, -4 अब बतलाओ इस किस क्वाड्रेंट में है, चतुर्थ ना, तो क्या लिखेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट या चतुर्थ पाद, क्या लिखेंगे यहाँ पर, चतुर्थ पाद। कहीं दिक्कत इसमें। और देखो लास्ट वाला क्वेश्चन क्या बोला है, एफ प्लस जी भी है ना, जी भी तू लोग बना लेगा किस पाद में है, दोनों माइनस माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस किस पाद में होता है, तृतीय पाद में ना, इकरा के लिख देंगे, इकरा में क्या होगा, तृतीय पाद। देखो हाँ, क्वेश्चन नंबर एच समझ लो, का दिया एच, बगल के चित्र में पी एल बराबर 2 और ओ एल बराबर 4, यानी 2.4 दे दिया है, मतलब बगल के चित्र में ऐसे को चित्र बना दिया है, इस तरह चित्र बना दिया है, यहाँ पर कोई बिंदु P लिख दिया है, इस P का कोऑर्डिनेट दे दिया कितना, 2.4 दे दिया है, यहाँ पर इस तरह L लिख दिया, इसे खींच दिया है, L P L लिख दिया है ना, अब समझो O L हाई O दे दिया है, यहाँ से ऐसे लिया फिर यहाँ से ऐसे लिया है, तो पूछ रहे पी एल का वैल्यू क्या होगा, ओ एल का वैल्यू क्या होगा, तो ना बतला देगा का, देखो कैसे बताएंगे, हल्का सी लॉजिक है, दिमाग लगाओ थोड़ा। देखो पी एल यानी पी एल का लंबाई, पी एल का लंबाई हो ही ना आ रहा है, और जो ऊर्ध्वाधर होता है एक्स अक्ष वाला होता है कि वाई अक्ष वाला, खड़ा वाई ना, तो वाई के लिए वाई वाला देखेंगे, यहाँ पर वाई नियामक क्या है, 4, तो पी एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हाई। देखो ओ एल, ओ एल एक्स ना, यहाँ से यहाँ तक एक्स का नियामक क्या है, 2, तो ओ एल का वैल्यू क्या होगा, 2। बुझाया कैसे लिखे है ना, देखो निर्देशांक जब ज्यामिति देख रहे थे, देखो 3 एक्स का 3 है ना, इसी सिर पर यहाँ पर एक्स का मान क्या होगा, 3 होगा, यहाँ एक्स का मान क्या होगा, 4, उसी तरह ना दर्शा रहे थे, उसी तरह इसमें भी क्या कर दिए, लिख दिए। आई नंबर क्या पूछा है, अब समझो क्या दिया है, -3.5 ये किस चतुर्थांश में होगा, किस पाद में होगा, तो माइनस प्लस किस में होता है, द्वितीय, यानी द्वितीय पाद में, द्वितीय चतुर्थांश में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, लिख लेगा अपने से ना, छापो इसे। देखो इधर अब क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं, इधर क्वेश्चन नंबर 2 का ए नंबर, ध्यान से क्वेश्चन सुनना क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या नाम है। देखो तो है क्षैतिज रेखा यानी यह एक्स होगा, ऊर्ध्वाधर के मतलब वाई, एक्स को क्या बोलते हैं भुज, वाई को क्या बोलते हैं कोटि, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष को निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलेंगे, भुज और कोटि, यानी पहला में क्या हो जाएगा, भुज और क्या बोलते हैं, भुज और कोटि बोला जाता है। कोई दिक्कत समझ जाएगा ना, अब देखो क्या कह रहा है, एकर बी नंबर के बतलाएगा क्या होगा, ध्यान से सुनना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष से बनने वाली प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं। देखो तो इधर
एक्स अक्ष वाई अक्ष यही ना बनेगा, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष, एक प्रत्येक भाग कौ को बना, एक दो तीन चार, चार को भाग बना कि ना बोला, ये चारों भाग के क्या बोलते हैं, पाद बोलते हैं या चतुर्थांश बोलते हैं, तो क्या लिख दे, चतुर्थांश लिख दे ना, यानी एक्स और वाई अक्ष से जो बनेगा ओकरा क्या बोलेंगे, चतुर्थांश, क्या बोलेंगे, चतुर्थांश, चतुर्थांश, कई दिक्कत, बी नंबर भी हो गया। सी नंबर देखो, ये तो तू लोग बतला देगा, धर दे, कह रहा है एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहा जाता है, मूल बिंदु, बिंदु यानी ओरिजिन, मूल बिंदु, एक में क्या हो जाएगा, मूल बिंदु भराएगा ना, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, जीरो कौमा जीरो। अब समझो क्वेश्चन नंबर डी समझते हैं, क्या कह रहा है, किसी बिंदु का भुज थ्री, भुज कितना दिया, माइनस थ्री, तो उस बिंदु को वाई अक्ष से लंबवत दूरी क्या है, कह रहा है किसी बिंदु का भुज क्या दिया है, माइनस थ्री, भुज बराबर माइनस थ्री, वाई अक्ष के लंबिक दूरी क्या है, कर देखो, तो भुज हम माइनस थ्री ले लिए ना, पहले ले लो एक्सिस खींच लेते, एक्सिस खींच लिए ना, इसके बाद देखो क्या बोलता है, अक्ष पर इसको आंसर देंगे, इधर एक्स अक्ष होता है, इधर वाई अक्ष होता है ना, इधर एक्स डैश होता है, इधर वाई डैश, ध्यान से समझो, एक्स बराबर माइनस तीन ना, तो माइनस तीन कहीं इधर होगा, मान लेते हैं कि माइनस थ्री यहीं पर होगा, माइनस थ्री के लंबिक दूरी, लंबिक दूरी जो लंबी लंबिक दूरी लेंगे, यहाँ से माइनस थ्री से उस बिंदु की वाई अक्ष से लंबिक दूरी क्या है, देखो यहाँ से वाई अक्ष का लंबिक दूरी यही नापेंगे तो कितना आएगा लंबिक दूरी, हम कौगो पॉइंट बढ़े हैं, तीन ना, एक दो तीन, तो मतलब यहाँ से अगर लंबिक दूरी नापेंगे तो यहाँ से लंबिक दूरी क्या होगा, थ्री होगा ना, तो लंबी की दूरी यहाँ से यहाँ कितना लिखेंगे, लंबी की दूरी, लंबी की दूरी कह रहा है एक्स अक्ष माइनस तीन से लंबी की दूरी यहाँ पर क्या होता है, ऐसे तो माइनस में तीन है, तो क्या माइनस में दूरी कब होता है, ना, तो लंबी की दूरी क्या लिखेंगे, थ्री लिखेंगे, कहीं दिक्कत, उतारो एक रखे। अब समझते क्वेश्चन नंबर ई ना, दूसरा के ई इधर समझ लेते हैं, ई क्या होगा, इधर देखो, इधर दिया हुआ है ई नंबर, यदि प्रथम पाद से किसी बिंदु के एक्स अक्ष से लंबिक दूरी, यानी पहले हम क्वाड्रेट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, प्रथम पाद यही तो होगा कि नहीं होगा, होगा, तो प्रथम पाद में एक्स अक्ष से कितना बोल रहा है लंबिक दूरी कितना है, पांच, यानी हॉल जो लंबा दूरी है एकर क्या है, पांच, ये दूरी लंबिक मेरा पांच है, तो उस बिंदु का कोटि होगा, ध्यान से समझो, यहाँ से लंबिक दूरी क्या है, पांच, आ कोटि वाई के वैल्यू को बोलते हैं कि ना बोलते हैं, तो कोटि देखते हैं, मेरा कोटि तू ही लोग बतलाओ अपना से क्या होगा, यहाँ से मान लो कोई बिंदु पॉइंट यहाँ है, यहाँ से लंबिक दूरी जाएंगे सीधे तो वाई अक्ष को दर्शाएगा, वाई अक्ष को यहाँ से यहाँ तक लेकर कितना है दूरी कर, पांच, यानी कोटि क्या होगा मेरा, पांच, बुझाया ना कैसे हुआ है। ई के बाद एफ देखो, एफ नंबर क्या बोल रहा है, थ्री कौमा चार और चार कौमा थ्री, क्या एक ही बिंदु को निरूपित करता है ना, देखो यहाँ से एक्स का मान तीन, तो एक्स के मान चार, अगर दर्शाना चाहे तो दोनों अलग अलग आएगा कि कहीं पर आएगा, अलग अलग आएगा, यानी एक्स पर तीन जाएंगे, एक यहाँ पर एक्स पर कहा जाएंगे चार, एक कहीं बिंदु को निरूपित करेगा नहीं, जब इस तरह फिगर बना के देखेंगे ना तो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, होगा कि ना होगा, तो मतलब एक ही बिंदु को निरूपित करता है कि नहीं, तो लिखेंगे नहीं करता है। एफ पहले क्या होता है, जी ना, जी नंबर देखो, क्वेश्चन में जी क्या कह रहा है, कह रहा है दो कोमा जीरो की एक्स अक्ष से दूरी क्या है,
एक्स अक्ष से दूरी का है, देखो सपोज इट फिगर से समझ लेते हैं, ये मेरा एक्स अक्ष तो ये क्या होगा वाई अक्ष, 2.0 मान लेते हैं यहीं पर ना होगा, 1, 2 यहीं पर मेरा 2.0। तो पूछ रहा है एक्स अक्ष से दूरी क्या है, खुद के एक्स अक्ष यही है, एक्स अक्ष पर ही है बिंदु, देखो तो जब एक्स अक्ष पर ओकरे पर बैठल है चुपचाप, तो बतलाओ एक्स अक्ष से दूरी बनाएगा ना, कतनो दूरी लग रहा है, कोनो दूरी एक्स अक्ष पर है, तो एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा मेरा 0। तो क्या लिखेंगे एक्स अक्ष से दूरी, यानी एक्स अक्ष से दूरी मेरा कितना होगा 0। एक्स अक्ष से दूरी बराबर क्या लिख देंगे 0। इसके बाद एच कह रहा है, एच तो बतला देगा, तू ही लोग बतलाएगा, देखो कह रहा है 2.-4/5 किस पाद बिंदु में है, तो इतना ध्यान देना एक्स का प्लस है कि माइनस, एक्स में प्लस है, वाई में माइनस है ना, प्लस माइनस किस पाद में होता है, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में, चतुर्थ पाद, प्लस एक्स प्लस रहना चाहिए, आइकरण क्या रहना चाहिए भाई माइनस, तो चतुर्थे पाद यही ना आएगा, देखो एक्स प्लस में नीचे जाएंगे तो माइनस, चतुर्थ पाद होगा इसमें, तो क्या भर देंगे चतुर्थ पाद, उतना नहीं बुझाएगा तो कोऑर्डिनेट देखेंगे, दर्शा के देखेंगे कहाँ दर्शा रहा है, यहाँ पर तो बोलेंगे कौन पाद होगा चतुर्थ पाद होगा। आई नंबर कह रहा है 2.3 किस बिंदु पर है, इस पाद बिंदु क्या है इसका, 2.3 दिया है, 1.2 दिया है, 1.2 किस पाद में है, किस चतुर्थांश में, तो प्लस प्लस दोनों है ना, एक्स की भी प्लस है, वाई भी क्या है मेरा प्लस है, तो जब दोनों प्लस प्लस हो तो किस को क्वाड्रेंट में रहता है, प्रथम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उतार लो, आज के लिए हम लोग इतना ही छोड़ देते हैं, बाकी 2 नंबर तक खत्म हो गया ना, आगे सब हल्का है, तू लोग बना के आना घर से, कितना तक तू लोग घर से बना के आता है।